हर एक उम्मती जन्नत में दाखिल होगा, जिसने भी दिल से होगा पढ़ा इलाहा इल्लल्लाह। कल आलम इस्लाम ने बड़ी धामधूम से मनाई शबे बरात, ऐसी बड़ी रात जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदे की हर दुआ कबूल करता है और उसको गुनाहों से बरी कर देता है। हमारे मुसलमान भाई मस्जिदों में भी जाते हैं, नफिल नमाज़ें भी अदा करते हैं और इबादत भी करते हैं। इस सोशल मीडिया के ज़माने में तंज भी कसा जाता है, लोगों को इस्लाह भी दी जाती है और खूब इबादत होती है। द राइट न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन यानी घंटी दबाएं ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपके आसपास बनती हुई हर घटना, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक प्रोग्रामों की वीडियो आप हमें भेज सकते हैं, आपके नाम से प्रसारित की जाएगी। दोस्तों, दीन इस्लाम एक पाकीज़ा मजहब है और इसमें शिस्त यानी डिसिप्लिन पर खूब इम्पोर्टेंस दिया गया है। लेकिन दुख की बात है कि घटना हमारी नज़र में आई है जुहापुरा कब्रिस्तान से, जहां पर कल रात कब्रिस्तान में फूल फातिहा आए लोगों ने खूब कचरा किया और फिर चले गए, जबकि वहां पर प्लास्टिक की डोले वगैरह रखी हुई है। देखिए वहां के इंतजाम या लाला भाई से सुनिए वहां का। जुहापुरा बी ओर का कब्रिस्तान है, जुहापुरा संकली नगर बी ओर कब्रिस्तान है। इधर कई मुस्लिम भाई आते हैं, कल रात का इतना कचरा था, अभी सुपिंग हो रहा है, सब साफ सफाई हो रहा है इधर। तो इसमें सब जिम्मेदारी हमारी है कि हमारे मुस्लिम भाई जो इधर सब कपड़े ध्यान देने का, जो कचरे का डिब्बे उसके अंदर कचरा नहीं डालते। बाहर काफ़ी कचरा पड़ेगा, अभी ट्रैक्टर बड़ा हुआ मजदूर काम कर रहे हैं, नहीं इसके अंदर जिम्मेदारी हमारी है, ये काम हमारे को कराने का होता है, तो इसके लिए हम करा रहे काम। तो इसके लिए हमारे सब मुस्लिम भाई से सिपाही से कि आप आओ तो कचरे की जो प्लास्टिक की थैली उसको डब्बे में डालो तो थोड़ा हमारे को भी हेल्प मिले। जबकि कब्रिस्तान कमेटी के चेयरमैन रनेश देसाई ने तुरंत ही आदेश कर इंतजामिया को साफ सफाई में लगाया और कब्रिस्तान की साफ सफाई कराई। हमारी उन मुसलमान भाइयों से खास अपील है कि हर जगह पर सफाई का, पाकिजगी का ध्यान रखें और इदारों के इंतजामिया को भी इसमें मदद करें। द राइट न्यूज़ के लिए इरशाद सैयद अहमदाबाद।